तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हाइपरलिंक और फॉर्म और भी बहुत कुछ, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइपरलिंक क्या। हाइपरलिंक मतलब कि दो पेज को एक दूसरे से कनेक्ट करना। अभी जैसे गूगल का पेज, इधर पे एक बटन है आई एम फिलिंग लिख के, तो ये क्लिक करते दूसरे पेज पे चला गया, यानी कि दो पेज को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं ये एचटीएमएल में कैसे करते हैं। देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको हर बार बताया मैंने। जो हाइपरलिंक रहता है उसको क्रिएट करने के लिए एक टैग यूज़ होता है ए करके। ये अभी इसके अंदर एचआरएफ मतलब कि उसका लोकेशन क्या है। अभी इधर देखो, मैंने बहुत सारे बनाए, हेडिंग लेवल है, टेबल है, ये सब हम लोग सीखे। तो सपोज़ ये टेबल्स डॉट एचटीएमएल है, तो ये मैं सीधा लिख दूंगा टेबल्स डॉट एचटीएमएल, और फिर वैसे ही इधर लिख देते टेबल, फिर एक को क्लोज कर दिया। अभी एचआरएफ का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस, कहाँ से जाएंगे। अभी सेम फोल्डर में ना, तो सिर्फ जो फोल्डर फाइल है ना उसका नाम लिख दो तो हो जाएगा, और अगर दूसरे फोल्डर में तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। अभी देखो यहाँ पे, अभी टेबल, अब मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये हम लोग ने टेबल सीखा था, टेबल का आ गया इधर। और इसी तरह से हम लोग बहुत सारे लिंक बता सकते हैं, मैं सिर्फ एक बना के बता रहा हूँ, और अगर आपको ट्राई करना है तो आप घर पर कर सकते हैं। देखते हैं फॉर्म क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। आपने देखा रहेगा सारे फेसबुक या फिर किसी के भी लॉगिन पेज पर फॉर्म बनाया रहता है स्टार्टिंग में, तो वो फॉर्म कैसे बनाते हैं, एचटीएमएल को यूज़ करके बना रहे हैं हम लोग। देखो, अभी फॉर्म बनाने के लिए एक टैग यूज होगा फॉर्म करके, फॉर्म को क्लोज, ये हो गया फॉर्म। अभी फॉर्म के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट और फिर टैग आते हैं। पहले इसमें सबसे मेन टैग है, अभी देखो, अभी किसी को कुछ नाम टाइप करना है ना, फर्स्ट नेम, सपोज फर्स्ट नेम टाइप करना है, तो इधर फर्स्ट नेम तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसको बॉक्स टेक बॉक्स रहता, बॉक्स रहते ना जिसके अंदर लिखना है, अगर वो लाना है तो इधर एक टैग यूज़ होगा इनपुट करके, इनपुट, और इनपुट को हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। अभी देखो, इनपुट लिखते ही इधर पे बॉक्स आ गया, इधर पे टाइप कर सकते हैं। अभी सपोज इधर पे इनपुट लिख देते, टाइप लिख देते, टाइप इज इक्वल टू सपोज टेक्स्ट दे देते हैं। मैं बताया टाइप कौन से होते हैं, टेक्स्ट, वेयर, के ये सब होता है, आप देख सकते हैं वीडियो। अभी इनपुट हो गया, अभी इसके बाद आते हैं नेम, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ये हो गया। अब इसको मैं नीचे कर दिया, अभी फर्स्ट नेम, नेम मतलब नेम का कुछ इधर ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बैकएंड पे काम आता है। अभी तो हम लोग ऐसे सीख रहे हैं नेम होता है ऐसा। इसके बाद एक और एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम प्लेस होल्डर इसके ऊपर लिखा देते, फर्स्ट नेम लिखा है ना वो हट जाएगा, इसके ऊपर ऐसा रहता है। अभी सपोज़ अगर एक फिक्स लेंथ देने के, अभी फर्स्ट नाम मुश्किल से 10 वर्ड का होगा, 10 स्पेलिंग का होगा, तो इधर मैक्स लेंथ लिखेगा, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू सपोज इधर 10 दे देते हैं। अब मैं इधर लिखता हूँ आयुष शाह, बराबर। अभी ये 9 हो गया, अभी एक और लिख देते, और आगे लिख दूंगा, देखो इतना ही आ रहा है, मतलब कि सिर्फ 10 स्पेलिंग आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मैक्स लेंथ देने का ये फ़ायदा है। और सपोज़ अगर अगर आपको इधर पे ऐसा कुछ लिखाना है, ये मैं नीचे कर देता हूँ, तो मैक्स लेंथ हो गया। अभी ऐसा है कि आपको ये लिखाना ही लिखाना है, तो इधर एक यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर्ड, सॉरी रिक्वायर्ड, यानी कि अभी इधर पे आपको ये टाइप करना ही करना है, अगर नहीं करेगा देखो ये प्लेस फिल आएगा, मतलब रिक्वायर्ड ज़रूरी है ये करना ऐसा। अभी इसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग बना देते हैं लास्ट नेम, मैं इधर सब लिख के रखा है पहले से, देखो अभी लास्ट नेम इधर पे भी टेक्स्ट दे देते हैं। अभी नेम में, नेम मतलब अपन खुद से दे सकते हैं, नेम इधर पे काम नहीं आएगा, ये बैक एंड पे काम आएगा, अगर हम लोग फ्यूचर में अभी सीखेंगे तो फिर उसमें काम आएगा, लेकिन इतना याद रखो नेम करके एक एट्रीब्यूट होता है वो यूज़ करने का है। अब इधर लिख देते हैं वापस, इधर पे टैक्सी दे देते हैं, इधर फर्स्ट नेम दे देते हैं, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम ये हो गया। अभी प्लेस होल्डर में बताया था, सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब मैं प्लेस होल्डर बताया था क्यों यूज़ होता है, वापस इधर लास्ट, इधर भी हम लोग रिक्वायर्ड नहीं करते, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, चलो ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड अगर रहता है ना, आपने देखा रहेगा पासवर्ड लिखा रहता है कभी कभी, मैंने इधर बी आर टैग यूज़ नहीं किया, इधर बी आर यूज़ कर लेते हो,
ये देखो हो गया। अभी इसके बाद पासवर्ड देखते हैं हम लोग। पासवर्ड के लिए पासवर्ड लिख देते हैं। अभी इधर पे वापस से इनपुट यूज़ होगा। मैं इधर पे कॉपी किया हुआ है, टाइप पासवर्ड देखिए, नेम भी पासवर्ड ही दे देते हैं और प्लेस होल्डर भी पासवर्ड देते हैं। देखो अब यहाँ पासवर्ड सॉरी बी आर टेक लिखने के इधर पे ये हो गया। अभी देखो पासवर्ड मतलब इधर स्टार में आएगा। देखो जैसे अपना पासवर्ड टाइप करते हैं वैसे स्टार में कैसे आता है वैसे इधर पे भी आएगा। अगर मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तो फिर ऊपर जैसे दिया वैसा आ जाएगा। अभी इसके बाद अपने चेकबॉक्स दिखा देंगे ये सब्जेक्ट चेक करो। तो उसके लिए भी फिर वापस से इनपुट यूज़ होगा। अभी इधर हम लोग पहले H3 दे देते हैं योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये देखो अभी इसके लिए इनपुट ही यूज़ होता है। अभी इधर लिखेगा चेकबॉक्स नेम, अभी मैंने बताया नेम, चलो लिख देते इधर पे मैक्स नेट ही है। अभी इधर पे प्लेस होल्डर नहीं आएगा, अभी इधर पे वैल्यू आएगा। वैल्यू मैक्स एच एस अभी यहाँ पे वापस लिख देते हैं। देखो अभी यहाँ पे चेक करने का, अभी इधर एक और एक लिख देते हैं नीचे। अभी हम लोग देखते हैं फटाफट से IT ले लेते हैं जल्दी से नेम IT। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैल्यू भी IT दे देते हैं। इसके बाद IT फिर इसके बाद हम लोग देखते इकोनॉमिक दे देते। चलो इधर इकोनॉमिक लिख देते हैं इकोनॉमिक और वैल्यू भी इकोनॉमिक दे देते हैं। फिर सॉरी इधर क्लोज करना हो गया, इकोनॉमिक हो गया। चलो तीनों में से कोई एक नहीं है, तीनों कर सकते हैं। अभी जो एक आता है मेल फीमेल जेंडर सिलेक्ट करते हैं। अभी उसके लिए रेडियो बटन यूज़ होगा, रेडियो बॉक्स यूज़ होगा सॉरी। उसके लिए भी सेम इनपुट यूज़ होगा, इसमें भी प्लेस होल्डर नहीं आएगा। इनपुट यूज़ होगा नेम फॉर्मेट ये सब होगा। प्लेस होल्डर की जगह अभी प्लेस होल्डर कैंसिल कर देते हैं हम लोग। प्लेस होल्डर की जगह वैल्यू यूज़ होगा, चलो वैल्यू लिख देते हैं। मेगा रेडियो दोनों में भी टाइप लिख देते रेडियो नेम। इधर ध्यान रखना कि नेम हमेशा एक ही जैसा। अभी इधर मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ, सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड देते। चलो स्टैंडर्ड इधर भी स्टैंडर्ड सेम देने का मतलब स्टैंडर्ड। अभी वैल्यू सपोज इधर देते 11 और ये 12 दे देते। अभी वैल्यू अगर इधर दिखाई नहीं देगी, देखो इधर पे सॉरी कुछ तो गड़बड़ गया। हाँ देखो इधर पे मैंने स्पेस दिया, स्पेस कभी भी छोड़ना मत। इधर पे मैं आगे लिख देता हूँ 11th और ये 12th। ये देखो अभी आप कंसिस्टेंट हो 11th या 12th। इधर एक और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ योर स्टैंडर्ड। अभी देखो सॉरी इधर H2 डाल देते हैं H2। देखो योर स्टैंडर्ड 11th या 12th आप कंसिस्टेंट में ऐसे करके ये इतना बना दिया। अभी इसके बाद एक और एक आता है सिलेक्ट करके टैग आता है सिलेक्ट क्लोज भी होता है इतना रखना। अभी सिलेक्ट में और एक टैग आता है ऑप्शन करके, ऑप्शन भी क्लोज होता है। अभी सपोज इधर पे H3 में दे देते हैं योर सिटी हो गया। अभी सिलेक्ट के ऑप्शन में अभी इधर लिख देते हैं मुंबई। अभी तो जल्दी से तीन और दे देते हैं नागपुर पुणे और फिर रत्नागिरी। तब मैं तो चाह दे रहा हूँ। ये देखो ऑप्शन मतलब ऐसा आता है आपके कौन सी सिटी है। अभी अगर ये देखो बाय डिफॉल्ट इधर पे मुंबई लिखा हुआ है क्योंकि इधर आपने पहले लिखा था। अभी सिलेक्टेड अभी सपोज इधर पुणे करना है तो इधर सिलेक्टेड लिख दो सिलेक्टेड हो गया। सुपुने आ रहे लिखे
वह आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी इसके बाद मैंने एक और एक चीज़ ऊपर मिस कर दिया, टेक्स्ट एरिया करके, इधर पे एक टैग यूज़ होगा। अभी इसको मैं क्लोज हो गई ना, इसके आगे एक और एक टैग यूज़ होगा टेक्स्ट एरिया। इसमें भी हम लोग और भी कुछ लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा लिखने का इसके लिए यूज़ होता है। ये देखो अभी टेक्स्ट एरिया इधर पर बहुत बड़ा है, सॉरी इधर मैं बी आर टैग यूज़ नहीं किया। देखो यहाँ पे आ गया, अभी मैं इधर पे इसका हेडिंग दे देता हूँ, H4 दे देते हैं एड्रेस दे देते हैं। ये देखो अभी इधर पे कितना भी टाइप कर सकते हैं आप, एंटर के साथ टाइप कर सकते हैं, और इसमें अपन एंटर नहीं कर सकते थे जो ऊपर अपने लिखा, इसमें एंटर नहीं कर सकते। देखो इसी तरह ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप एंटर कर सकते हो। अभी इसका अगर हाइट और विड्थ सेट करने का है तो इसके लिए रोज यूज़ होगा, रोज मतलब कि हाइट, सपोज इधर देते थे 10, और कॉल्स मतलब कि विड्थ, कॉल्स इज इक्वल टू 20 दे देते। ये देखो अभी ये बड़ा हो गया, कॉल्स 20 दिया था इसके लिए और 10 इसके लिए था इसके लिए। अभी सिमिलर जितना भी यूज़ करना है इधर पे, सपोज इधर पे 30 दे देते हैं, ये देखो 30 हाइट है ना, तो 30 बड़ा हो गया। अभी इधर सपोज 60 दे देते हैं, देखो यहाँ पे 60 का इतना बड़ा साइज आ गया। अभी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको 3x10 कर देते हैं, ये देखो हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं 5x30। देखो ये हो गया, ये हो गया इतना, चलो बस से। अभी इधर पे प्लेस होल्डर हम लोग ने नहीं लिखा है, अभी इधर प्लेस होल्डर लिख देगा, अभी एड्रेस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो इधर रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड मतलब अभी लिखना ही लिखना है। तो मैं इसको अगर सबमिट भी कर दूँ इधर से, अगर सबमिट कर भी दूँ तो सबमिट करो का ऑप्शन बटन एडल। इसके बाद अभी आता है, यूज़ होता है, अभी इसको बी आर टैग करके दे देते हैं, बी आर इसके लिए यूज़ होगा। इधर पर भी सेम ये यूज़ होगा इनपुट वाला, ये देखो इधर टाइप में आएगा फाइल, फाइल एलियस नहीं, फाइल सिर्फ। अभी नेम आप लिख सकते हैं माय फाइल, इधर पर प्लेस होल्डर नहीं आएगा, सॉरी इधर प्लेस होल्डर नहीं आएगा। देखो अभी इधर पे अभी आपको कोई फाइल चूज़ करवानी है तो इधर से चूज़ करा सकते हैं। अभी इसके बाद अपन देखेंगे बटन, बहुत सारे बटन देते हैं। अभी ये देखो सबमिट, नेम भी लिख देते हैं सबमिट, इधर पे वैल्यू भी आएगा वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू मतलब आपको जो दिखाई देगा। अभी इधर पे मैं सबमिट लिखा है इधर पे, ये देखो ये सबमिट बटन आ गया इधर पे। अभी सबमिट के वैल्यू की जगह अगर मैं सेंड लिख दूँ इधर पे, इधर पे लिखा हुआ सेंड आ जाएगा, देखो ये सेंड आ गया। अभी इसके बाद एक बटन आता है, उसका बटन ही बोलते हैं, बटन और नेम भी बटन लिखेगा इधर पे, और वैल्यू इज इक्वल टू ओके, और एक बटन लिख देते हैं रीसेट और वैल्यू रीसेट। अभी देखो मैं बटन बताया, ये ओके, ओके मतलब खाली ओके हो गया बस। सबमिट ये सेंड सबमिट वाला यूज़ होता है कि कहीं पे पहुंचाने के लिए, और रीसेट मतलब अभी देखो इधर मैं पे कुछ भी लिख दिया और रीसेट किया तो रीसेट हो गया पूरा फॉर्म। मैं इधर पे भी सपोज
मुंबई लिख दिया, तो ये रीसेट कर दिया तो रीसेट हो गया वापस। ऐसे करके तीन बटन है, और अगर इसके बाद एक और एक बटन आता है, इमेज करके बटन आता है, मतलब इमेज का बटन बना सकते हैं। इधर पे इमेज ही लिखेंगे, इमेज src इज इक्वल टू file.png। देखो ये मतलब इमेज को मैंने बटन बना दिया, ये इमेज है उसको मैंने बटन बना दिया। इतने बटन हैं अभी, इसके बाद और भी बटन है इनविजिबल करके, वो अभी इसमें ज़रूरत नहीं सीखने की। आयुष पासवर्ड XYZ देते, मैं इधर चूज कर लेता हूँ IT 11। अभी इधर सपोज मुंबई सेलेक्ट कर लेता, एड्रेस XYZ मैं चूज़ फाइल बाद में कर देता हूँ। अभी मैं ब्राउज़र पर ओपन नहीं किया तो ये चूज़ फाइल सिलेक्ट नहीं होगा, मैं आपको बाद में ब्राउज़र में भी करके दिखाता हूँ। अब मैंने सब लिख दिया, ये कर दिया, अभी अगर मैं रीसेट करूँगा तो रीसेट हो जाएगा, सेंड करूँगा तो अभी मैं कुछ PHP सर्वर बनाया नहीं है। अभी सेंड करने के लिए ये फॉर्म के स्टार्टिंग में एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, मेथड इक्वल टू, दो टाइप के मेथड आते हैं, गेट और पोस्ट। गेट मतलब आपके ऊपर जो ब्राउज़र का ऊपर लिखा रहता है उसमें लिखा रहेगा, और पोस्ट मतलब कि सीधा चलने में कुछ लिखा नहीं रहेगा। इसके बाद आता है एक एट्रीब्यूट एक्शन करके, मतलब कहाँ जाएगा। अभी मैंने कुछ फाइल तो बनाया नहीं है उसके ऊपर, मैं आपको बाद में अगर सिखाऊंगा अगर कुछ रहेगा ऐसे कुछ टॉपिक तो। अभी सपोज इधर में लिख देते हैं हेडिंग लेवल डॉट HTML तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जस्ट, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, PHP फाइल रहता है वो। फिर मैं सपोज मैं इधर कुछ भी लिख दूँ, और अगर मैं सेंड करूँ तो ये पेज पे जाऊँगा, लेकिन ये पेज पे नहीं जाता है, ये पूरा फाइल एक जगह पे जाता है, पोस्ट डॉट PHP, ऐसा PHP करके फाइल बनता है। मैं अभी अगर बाद में कभी रहेंगे तो अपन खुद को बताऊँगा। ये देखो इधर ये लिखना है, ये देखो ये हो गया सेंड। अगर मैं सेंड करूँ तो ऐसा कोई पेज अवेलेबल नहीं, पोस्ट पेज भी ऐसा पेज अवेलेबल नहीं, इसके लिए इसमें नहीं दिखा रहे। अगर PHP करके अगर आगे कुछ टॉपिक रहेंगे तो मैं बता दूँगा कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी इसमें थोड़ा सा बॉडी कलर देखते इधर पर, मेरे पे बॉडी कलर देखो ये हो गया। और हम लोग ने ये दोनों भी एक साथ मैंने बताया, अब ज़रूरी है कि अलग भी कर सकते हैं मेरे जैसा, एक साथ भी कर सकते हैं। इसमें आप इसका इधर कलर भी चेंज करके बताया, इन लोग ने कलर चेंज करा है, मैं कलर वाला पहले बता चुका हूँ तो कुछ ज़रूरी नहीं है। अभी अगर आपको सीखना ही है कलर वाला तो देखो यहाँ पे इसके आगे टेक्स्ट लिख दो, टेक्स्ट इज इक्वल टू, इधर भी अपन भी रेड दे देते हैं, देखो रेड हो गया। बस इतना ही था और कुछ नहीं था इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ने देखा फॉर्म, हाइपरलिंक। अगले वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट चालू करने वाले हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अगला वीडियो संडे तक आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए।